हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, फाइनली अभी बिहार पुलिस का जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे पास आ चुका है, और आज मैं आप लोग को इस नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल समझाऊंगा। दोस्तों, कब से आप लोग का ऑनलाइन है और कब से आप लोग का ये जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, जो भी कॉन्स्टेबल मद्य निषेध की जो भर्ती आई है, कितनी पोस्ट है दोस्तों, इसमें पूरा आप लोग को मैं क्लियर करूँगा। और आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और कितना दोस्तों इसमें क्या क्या है, प्लस दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है वो कल रात में आया था। तो दोस्तों आपको पता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही की भर्ती आई है बिहार पुलिस के अंदर में। तो 689 दोस्तों आप लोग की टोटल सीट आई है, जिसमें से दोस्तों आप लोग को पता है कि लास्ट जो डेट है इसकी, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, वो है दोस्तों 14 दिसंबर, और एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन डेट है वो 14 नवंबर से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 नवंबर से 18 से 25 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्लस इसमें जो दोस्तों थर्ड जेंडर के हैं लोग, थर्ड जेंडर के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आप लोग की 10+2 है, और इसमें आप लोग को 10+2 आपको पास होना है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को इसमें एज के बारे में बताएं, तो दोस्तों इसमें एज जो है आपकी 18 से काउंट होगी और 25 साल तक रहेगी। तो एज का जो कट ऑफ है दोस्तों, कट ऑफ के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा कि कट ऑफ आपकी कहाँ से ले जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हाइट और चेस्ट के बारे में, तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट के यहाँ पे बता रखा है 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट है वो आप लोग की 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें दोस्तों फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो कि वो है उनके लिए तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग का जो एग्ज़ाम है, तो दोस्तों ठीक आप लोग का आज से 1.5 महीने बाद, मतलब फॉर्म एप्लीकेशन का 1 महीने बाद से लेकर के 1 महीने का और टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों लगभग आप लोग की फरवरी में आप लोग का जो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो दोस्तों 100% मैं आपको बताता हूँ, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा और आप लोग का सबसे पहले पेपर होगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा 100 नंबर का, जो कि आप लोग को क्वालिफाई करना होगा, और जिन भाइयों का रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया। तो दोस्तों फिजिकल मैं यहाँ पर बता दूँ, बिहार पुलिस का थोड़ा फिजिकल हार्ड है, सेम एज कंपेयर करें तो बिहार पुलिस का जो फिजिकल है वो आर्मी के लेवल का है। तो यहाँ पे आप लोग को 1600 मीटर की रेस करनी पड़ेगी, जो कि 50 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको टाइमिंग 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट तक का मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका गोला फेंक और ऊंची कूद होगी। तो 100 नंबर के फिजिकल में कम से कम दोस्तों आपको 80+ स्कोर करना पड़ेगा, तब जा करके आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो भी आप लोगों की बनेगी आपके फिजिकल के हिसाब से। तो दोस्तों आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बुक प्रेफर करूंगा, जो कि है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की बिहार पुलिस मद्य निषेध की स्पेशल बुक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सब कुछ मिलेगा, इसके अंदर आप लोग को किस प्रकार से तैयारी करनी है, अप टू डेट सिलेबस भी रहेगा, साथ ही साथ आप लोग को इसमें प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकें, एक अच्छा स्कोर कर सकें। प्लस दोस्तों अगर आपको बुक परचेज़ करनी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के बिहार पुलिस की मद्य निषेध की बुक ले सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और दोस्तों इसमें आप लोग को काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट, ओल्ड ईयर पेपर भी मिलेंगे, ताकि आप लोग को आराम से आप बिहार पुलिस का जो पेपर है आप क्लियर कर सकें। बात करते हैं दोस्तों इसके फ़ीस की, तो जो कि इसका जो फ़ीस है दोस्तों वो आपको मैं बता दूँ, इसमें जो फ़ीस के बारे में बात करी है, तो 1000 रुपीज़, मतलब 750 रुपये OBC वालों को लगेंगे, और बाकी जो SC ST वालों को 450 रुपये देने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहें। जय हिंद।